हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही आसान डिजन लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी डिजन है ये। चार चार फंदों का डिजन है। ये साइड साइड में दो फंदा एक्स्ट्रा रखना है। इसमें मैंने 20 फंदा डाला है। फर्स्ट रो सब सीधा मुड़ के कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो में सब सीधा बुनना है। फर्स्ट रो सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब था सेकंड रो में सब उल्टा बुनना है। सेकंड रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। ये डिजाइन जिस प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं आप। सेकंड रो उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया। थर्ड रो में ये पहली फंदा एक ऐसे उतारना है और ये दोनों फंदों को एक फंदा बनाना है। सीधे की तरफ से ये दोनों फंदों को एक फंदा बनाना है। धागा आगे है, डबल डबल जाली डालना है। डबल डबल जाली डालना है इधर, फिर धागा आगे ये दोनों फंदों को ऐसे स्लिप करना है और बैक साइड से दोनों फंदों को एक फंदा बनाना है। फिर रिपीट, ये दोनों फंदों को एक फंदा बनाना है। धागा आगे, इधर जाली डालना है, इधर फिर धागा आगे, एक बार फिर घुमाइए, डबल जाली डालना है इधर, फिर ये दोनों फंदों को ऐसे स्लिप करना है, फिर ये दोनों फंदों को एक फंदा बनाना है, फिर ये दोनों फंदों को एक फंदा बनाना है। धागा आगे, फिर एक बार फिर घुमाइए, फिर ये दोनों फंदों को ऐसे स्लिप करना है और बैक साइड से दोनों फंदों को एक फंदा बनाना है। फिर ये दोनों फंदों को एक फंदा बनाना है। फिर धागा आगे, फिर एक बार फिर घुमाइए, डबल जाली बनाना है, फिर ये दोनों फंदों को ऐसे स्लिप करना है, फिर बैक साइड से दोनों फंदों को एक फंदा बनाना है, फिर ये दोनों फंदों को एक फंदा बनाना है। धागा आगे, फिर एक बार घुमाइए, फिर ये दोनों फंदों को ऐसे स्लिप करना है, फिर बैक साइड से दोनों फंदों को एक फंदा बनाना है। लास्ट का एक फंदा सीधा बुनना है। थर्ड रो कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ रो में सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है।
इधर जाली, डबल जाली बनाए है इस, ये फंदों को ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे बुनना है। इधर डबल जाली है, डबल एक फंदा ऐसे बुनना है और ये फंदों को ये पीछे की तरफ से ऐसे ऐसे बुनना है। इधर फिर डबल डालिए, फिर ये फंदों को ऐसे ऐसे बनना है। फिर ये फंदों को ऐसे पीछे की साइड से ऐसे इस तरह से बनना है। फिर ये फंदों को ऐसे फोर्थ रो कंप्लीट हो गया उल्टा बुन के। फिफ्थ रो में सब सीधा बुनना है, फिफ्थ रो सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है। फिफ्थ रो सीधा बुन के कंप्लीट करना है। फिफ्थ रो सीधा बुन के कंप्लीट हो गया। सिक्स रो में सब उल्टा बुनना है। सिक्स रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सिक्स रो उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया। सेवेंथ रो पहली फंदा एक ऐसे उतारना है, धागा आगे की तरफ ले लिए, ये दोनों फंदे ऐसे स्लिप करना है और बैक साइड से दोनों फंदों को एक बनाना है, ये दोनों फंदों को एक बनाना है। यहाँ से स्टार्ट करना है डिजाइन, ये दोनों फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे की तरफ से, धागा आगे, फिर डबल जाली डालना है इधर, फिर एक बार घुमाइए, फिर ये दोनों फंदों को ऐसे स्लिप करना है, फिर बैक साइड से दोनों फंदों को एक फंदा बनाना है, फिर ये दोनों फंदों को एक फंदा बनाना है, धागा आगे, फिर एक बार घुमाइए, इधर डबल जाली डालना है, ये दोनों फंदों को ऐसे स्लिप करना है और बैक साइड से ये दोनों फंदों को एक फंदा बनाना है, फिर ये दोनों फंदों को एक फंदा बनाना है, धागा आगे, फिर एक बार जाली डालना है, फिर ये दो फंदों को ऐसे स्लिप करना है,
फिर और बैक साइड से दोनों फंदों को एक फंदा बनाना है। फिर ये दोनों फंदों को एक फंदा बनाना है। धागा आगे, फिर एक बार जाली डालना, फिर ये दोनों फंदों को ऐसे स्लिप करना है और बैक साइड से दोनों फंदों को एक फंदा बनाना है। ये लास्ट का तीन फंदा, ये दोनों फंदा एक फंदा बनाना है। धागा आगे, इधर जाली डालना है और लास्ट का एक फंदा सीधा। सेवेंथ रो कंप्लीट हो गया। अब एट रो, एट रो में सब उल्टा बुनना है। एट रो उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। इधर डबल जाली है, इधर एक बार ऐसे बुननी है, फिर ये फंदों को ऐसे इस तरह से बुनना है। यहाँ भी डबल जाली है, एक फंदा ऐसे बुनना है, फिर ये फंदों को ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे। फिर ऐसे एक फंदा ऐसे करना है, फिर ये फंदों को पीछे से ऐसे करना है, फिर एक फंदा ऐसे बताना है, फिर ये फंदों को ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे। ये डिजाइन एट रो में कंप्लीट होता है। ऐसे ही वन रो से एट रो तक रिपीट करते जाना है। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।